हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर 11 3D एग्जांपल नंबर 24। तो फ्रेंड, क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, हमें डिस्टेंस बताना इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इस पॉइंट का इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस बताना हो तो बेसिकली अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म को रख लेंगे, हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है, वेक्टर को हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इस पॉइंट पर और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो चाहें तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म है जैसे कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, ठीक है, जो n होगा वो मेरा कोण होगा, नॉर्मल होगा प्लेन का। तो फ्रेंड, मैं डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ, a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो a वेक्टर होगा वो इसका पोजिशन वैक्टर होगा जहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकालना होगा, यानी कि एक्स वाई एंड जेड, इनको आई जे की फॉर्म में रख लेंगे, जो मेरे पासिंग थ्रू पॉइंट होगा मतलब जहाँ से मेरा डिस्टेंस निकालना होगा उसको इसके अंदर रख देंगे, और n होगा नॉर्मल होगा जो इस प्लेन का होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस में d और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चाहें तो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चाहें इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं कार्टेशियन फॉर्म से। ठीक है फ्रेंड, मेरे को वेक्टर फॉर्म दे रखी है r वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इक्वल टू 4। तो फ्रेंड, मेरे जो 6 माइनस 3 और 2 है ये मेरे को ना डायरेक्शन रेशियो, तो बेसिकली मेरा नॉर्मल दे रखा है, ये मेरे को क्या दे रखा है, नॉर्मल। अब मेरे को इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी हो, कार्टेशियन फॉर्म वो मेरी क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी होगी। ठीक है, तो मेरी कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए ये मेरा कौन होगा, डायरेक्शन रेशियो, यानी कि 6x माइनस में 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। कार्टेशियन आ गई, प्लस का 4 इधर इसका हो जाएगा माइनस का, 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हम आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, तो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू डिस्टेंस, इस प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे, 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस का 4 अपॉन में 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मेरा पासिस थ्रू पॉइंट क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ पासिस थ्रू पॉइंट, पासिस थ्रू पॉइंट दे रखा है मेरा ये वाला 2, 5 एंड माइनस का 3, 2, 5 एंड माइनस का 3। तो ये मेरा x, y, z की वैल्यू दे रखी है, इन तीनों को उठा के मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमें मैंने पुट करना शुरू किया, x की जगह 2 लगाया, y की जगह 5, z की जगह माइनस का 3 एंड माइनस का 4 अपॉन में 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 3, 3 जन 9 एंड 2, 2 जा 4। ठीक है फ्रेंड, कितना हुआ, 6, 2 जा 12, 3, 5 जा 15, 3, 2 जा 6 माइनस का 4 अपॉन में, इनको ऐड किया कितना है 49। ठीक है, बाकी पार्ट को मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो कैलकुलेशन में कितना आ रहा है, प्लस का 12, माइनस का 15, माइनस का 6 एंड माइनस का 4। तो इनको मैं सॉल्व करूँगा तो 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ माइनस का 13 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 49। ठीक है, मोड में किसका हो जाएगा, प्लस का, और 49 का रूट कितना हो जाएगा, 7। तो ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा इस पॉइंट का प्लेन के बीच में। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा एग्जांपल नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं एग्जांपल नंबर 25 की ओर चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जांपल नंबर 25 को मैं नोट कर लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 25 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। एग्जांपल नंबर 25 में क्या दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है और प्लेन की। ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल बताना है। तो फ्रेंड, अगर हमें लाइन की कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस तरीके से मिले, एक्स माइनस में एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस में वाई वन अपॉन में बी, एंड जेड माइनस में जेड वन अपॉन में सी, और प्लेन की इक्वेशन मिले जिसमें ए बी सी कौन होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे प्लेन के,
तो उनके लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा साइन फाई इक्वल टू कैपिटल ए, जो कैपिटल ए बी सी है वो डायरेक्शनल रेशियो है किसके, प्लेन के, और जो स्मॉल है वो किसके हैं, लाइन के, और स्मॉल वाले सम का स्क्वायर का सम ऊपर अंडर रूट और कैपिटल वाले का स्क्वायर का सम ऊपर अंडर रूट, इस तरीके से मेरा लाइन और प्लेन के बीच में एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए बी सी को ढूंढता हूँ जो डायरेक्शन रेशियो लाइन के, तो ए कितना हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 6, और कैपिटल वालों में ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है फ्रेंड, तो कंपेयर करने के बाद में वो वैल्यू पुट कर दो इसकी, साइन फाई इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस का 11 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, करने के बाद 10 टू ज़ा 20, 3 टू ज़ा 6, 11 सिक्स ज़ा 66, 2 टू ज़ा 4, 3 थ्री ज़ा 9 एंड 6 सिक्स ज़ा 36, 10 टेन ज़ा 100, 2 टू ज़ा 4 एंड 11 को 11 से करेंगे तो आ जाएगा 121, ऊपर आ जाएगा मोड। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर 20 प्लस 6, 26, 26 में से 66 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40, एंड इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 225 मोड। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा माइनस का 40, इसका 700 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15, तो माइनस 40 किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि मोड है पॉजिटिव का हो जाएगा। एंड पहले कैंसिल कर लो इसको, कैंसिल हो रही दो, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया 8, 7 3 ज़ा 21, मोड इस वजह से किसका हो गया पॉजिटिव का, ये मेरा कितना आ गया साइन 5। ठीक है, 8 अपॉन में 21, 5 यहाँ रह जाएगा तो साइन थ्री किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स 8 अपॉन में 21, तो ये लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकल कर मेरा आ गया है, और इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 25 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।